गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको पार्ट फाइव यानी कि भाग पाँच में युधिष्ठिर और दुर्योधन की बातचीत के विषय में बताया था और आज पार्ट सिक्स यानी कि भाग छः में भी इन दोनों में लगातार बातचीत हो रही है जो कि पेज नंबर 78 और 79 पर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे देखेंगे दुर्योधन क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर से। दुर्योधन, तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती थी कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े? क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो? इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। इसमें दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि जब न्याय था, न्याय के लिए होना था, तब ये जो बड़े जो लोग हैं जैसे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये लोग मेरे तरफ से क्यों लड़े हैं? यहाँ तक कि कृष्ण जो कि तुम्हारे मित्र थे, वो भी उन्होंने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना को भेजा था। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। तो बच्चों, यहाँ सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली। युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं सुयोधन से, मैं तुम्हें तसल्ली देने आया था, विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा अर्थात दर्द बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो, मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था। मेरी इच्छा यह कदापि नहीं थी। तो दुर्योधन क्या बोलते हैं, मैं इसका कैसे विश्वास करूं? क्या तुम्हारे कह देने से ही, पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है। तुम्हारे कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का, और वह पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोरित तर्पण चाहता है। बच्चों, इसका अर्थ होता है खून का प्यासा। दुर्योधन क्या कह रहा है युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर क्या है, खून का प्यासा है। युधिष्ठिर रक्त की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। वो क्या कह रहा है दुर्योधन युधिष्ठिर से कि तुमने क्या किया है, हर पल हर क्षण तुमने क्या किया है, लड़ाई की तैयारी करी है, और वो ईर्ष्या, वो जलन, उस ईर्ष्या के कारण मैं एक भी रात सुख की चैन से नहीं सो पाया हूँ। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध-बुध हो बैठे हो, तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य का अर्थ होता बच्चों जो घटित ना हो सकता हो, बातें कहता है। जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति
तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? दुर्योधन, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना भी चाहे तो तुम इसे विश्वास ना करने दोगे, पर इससे क्या, सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोग ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि हरे हैं। हरे मतलब होता है बच्चों ताज़े हैं। पुरोचन को कपट से मार गया। पुरोचन कौन है बच्चों? पुरोचन दुर्योधन का मित्र और मंत्री भी है। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल गए, और पंचाल एक राज्य का नाम है, और यहाँ तक द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने आधा राज दिया। युधिष्ठिर, मैं तो यही जानता हूँ आधे राज पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो दुर्योधन, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। प्रमाणों मतलब सबूतों, सबूतों की कमी नहीं है। आधा राज पाकर भी तुमने चैन ना लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। दिग्विजय का अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त करना। राजस्व यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या न भूले, और तुमने झट से अपना राज दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज अनायास मतलब बिना प्रयास के ही मिल जाए। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ ना था। युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। अब यहाँ पर बच्चों दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये तुमने किया, ये तुमने किया, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दुर्योधन, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही किया था, तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जाती हुई दासी थी। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मथे मढ़ा गया, और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शास्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को मिटा सकते हो? कटु सत्य का अर्थ होता बच्चों यहाँ कड़वा सत्य, कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, सब लोगों को अपने में मिला लेना, सबको अपना मित्र बना लेना, सबको निमंत्रण देना, ये क्या एक कड़वा सच नहीं है कि तुमने मेरे को हराने के लिए ये सब बातें की हैं? एकांकी संचय अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ भाग 6 पेज नंबर 78 और 79। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द सांत्वना का अर्थ होता है तसल्ली, पीड़ा का अर्थ होता है दर्द, शोणित तर्पण का अर्थ होता है खून का प्यासा, असंभावी का अर्थ होता है बच्चों जो घटित ना हो सकता हो। पुरोचन, पुरोचन कौन है? दुर्योधन का मित्र है और मंत्री भी है। पंचाल, पंचाल एक राज्य का नाम है।
परमाणु, परमाणु का अर्थ होता है सबूतों। दिग्विजय, दिग्विजय का अर्थ होता है संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त करना। अनायास, अनायास का अर्थ होता है बिना प्रयास के। कटु सत्य, कटु सत्य का अर्थ होता है कड़वा सच। बच्चों आज का गृह कार्य इस तरह से है, आज का आप लोगों को का काम है उपरोक्त दिए गए, उपरोक्त मतलब ऊपर भाग छः के उपरोक्त दिए गए शब्दार्थों को लिखकर याद करना है।